गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। प्रभु ये शाही खजाना प्रजा की भलाई और उन्नति के लिए, हमारे पूर्वजों और हमने आज तक इसमें से अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया। दिल का दौरा पड़ने के बाद हम इस खजाने की रक्षा का भार राजकुमार को सौंप देना चाहते। प्रभु उसे आशीर्वाद दो कि वह एक दयालु और प्रजा के दिलों पर राज करने वाला राजा बने। प्रभु उसे बुद्धि देना, उसे शक्ति देना। शमशेर, हमें तुम्हारी वफादारी पर नाज है। इस शाही खजाने की रक्षा का भार हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। जाओ। उस पंछी को देख रहे हो लाखन? उसका नाम बाज बहादुर शमशेर है। बहुत खतरनाक है। वो जहां बैठा पहरा दे रहा है, अंजानगढ़ का सारा खजाना उसी पहाड़ी के नीचे छुपा है। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता? मुझे मालूम है, लेकिन हिस्सा? बराबर बराबर का। तो फिर सुनो, राजा के गले में एक लॉकेट है और उस लॉकेट में शाही खजाने तक पहुंचने का नक्शा है। अंगल, इसे कहीं संभाल के रखना। शाही खजाने तक पहुंचने का रास्ता इसी नक्शे में। और ये राज सिवाय तुम्हारे किसी को भी पता नहीं। और जब तक राजकुमार बालिग ना हो जाए, ये राज उसे भी पता नहीं चलना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। ये नक्शा हमने इसमें डाल दिया है। आज से ही राजकुमार के गले में रहेगा। आपके सारे सिपाही और पहरेदार हमारी हिरासत में हैं। हम बिना वजह खून खराबा करना नहीं चाहते। आप शाही खजाने वाला लॉकेट हमारे हवाले कर दीजिए। लॉकेट? कौन सा लॉकेट? वही लॉकेट जिसमें शाही खजाने तक पहुंचने का नक्शा है। तो ये काम तुम्हारा है? हाँ, 5,000 मांगने पर तुमने नहीं दिए थे ना मुझे। अब ये मुझे 5 करोड़ का मालिक बना देगा। महाराज शूरवीर सिंह, प्यार से हार उतार कर लाखन को दे दीजिए। दिगंबर सिंह, राजघराने से बेवफाई का अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। आज के जमाने में वफादारी की उम्मीद तो सिर्फ कुत्ते से की जा सकती है महाराज। और फिर आपका भाई तो इंसान है जो दौलत के लालच में किसी के भी हाथों किसी भी कीमत पर बिक सकता है। राजकुमार, ये हार संभाल कर रखिएगा। क्या हमारे पिताजी यही रहेंगे? नहीं, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। चेतक, ये चिट्ठी एसपी साहब को दे देना और राजकुमार को संभाल कर ले जाना। जाओ। चल चेतक। बाबा, बाबा मैं क्या पहनूं? तू? अच्छा तू ये पहन ले। महाराज, लॉकेट देते हो या गोली चलाऊं? आहा हा, ये पुण्य का काम मुझे करने दो लाखन। ठहरो, तुम्हें महाराज के गले का लॉकेट चाहिए ना? नहीं मंगल सिंह, नहीं। धीरज रखिए महाराज,
प्रजा का सबसे बड़ा खजाना आप हैं, और आपके जीवन पर ऐसे हजारों खजाने कुर्बान किए जा सकते हैं। जाइए, आप आराम कीजिए। ये लो लाखन। देखो वही है ना। हाँ लाखन, यही लॉकेट है। चलो ठहरो, पहले मुझे नक्शा देखने दो। ना लाखन, ये गलती मत करना। इस तरह से तोड़ोगे तो नक्शे का कोई भी हिस्सा फट सकता है। इसे किसी सुनार के पास ले जाओ और संभाल कर खुलवाओ। मंगल सिंह, खजाना मिलने पर तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। हम इस नमक हराम को अभी इनाम दिए देते। इसे खत्म कर दो लाखन। राजकुमार को भी मार डालो। लाखन से कहना मेरे बेटे रंजीत को अपने बेटे की तरह पाले। खून खराबे की शुरुआत पहले तुमने की, हमारे साथी को खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ना लाखन, ना महाराज की हत्या मत करो, उसके बदले मेरी जान ले लो। नहीं, हम तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं करेंगे मंगल सिंह। हम तो तुम्हें अपना साथी बनाना चाहते हैं। हट जाओ। सरदार, देखो मैं किसे लाया हूं। बाबा, बाबा। मंगल, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे महाराज जिंदा रहेंगे। सच? लेकिन तुम्हारे महाराज ने खून किया है, और खून का बदला तो मुझे चाहिए ही। ठीक है लाखन, मैं तैयार हूं। नहीं नहीं नहीं, महाराज की जगह राजकुमार जाएगा, ताकि बेटे के गम में महाराज बाकी जिंदगी तड़पते रहे। इस बच्चे को मत मारो, ये राजकुमार नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो महाराज। हम सच बोलते हैं, ये मंगल सिंह का बेटा है। अच्छा, मंगल सिंह, ये तुम्हारा बेटा है? बोलो, ये तुम्हारा बेटा है? हर बाप अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलता है। राज, राजकुमार यही है लाखन सिंह। मंगल सिंह, जोरावर, राजकुमार को तलवारों की नोक पर उछालकर बाहर फेंक दो। मंगल सिंह, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? बोल दो मंगल, ये तुम्हारा बेटा है। बाबा, बाबा, बचाओ, बाबा, बाबा, है तेरी इस मर्दानगी पर। अरे कोड़े क्या चला रहा है? तलवारें चला ले इस जिस्म पर, फिर भी असली लापट तुझे नहीं मिलेगा। बोल कहाँ है नक्शा? खजाने के नक्शे के लिए मेरी जबान कभी नहीं खुलेगी लाखन। मैं तेरी जुबान काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जल्दी कर और देख वफादारी की ताकत। तू जबान के दो टुकड़े करेगा ना की आवाज दुगनी हो जाएगी, चार टुकड़े करेगा ना की आवाज चार गुनी। खामोश। तू मुझे खामोश करा सकता है, लेकिन राजकुमार खामोश नहीं रहेगा लाखन। राजकुमार? हाँ, तूने जिसे तलवारों से उछाल कर मारा था वो राजकुमार नहीं था। कौन था वो? कौन था वो? कौन था वो? वो मेरा बेटा था। तेरा बेटा? तू झूठ बोल रहा है। मंगल कभी झूठ नहीं बोलता, तू सच को झूठ समझ रहा है। राजकुमार जिंदा है लाखन, और असली लॉकेट उसी के गले में है। नहीं। हाँ। तो सुन, लाखन दुनिया उलट पुलट कर देगा और राजकुमार को ढूंढ निकालेगा। अरे तू क्या उसे ढूंढेगा? बताने दे, राजकुमार ही तुझे ढूंढ निकालेगा।
और अपने हाथों से अपने पिता के खून का बदला लेगा। लाखन, उस दिन तेरा सीना होगा और राजकुमार की गोलियां। राजकुमार की गोली? हाँ, और तेरे सीने में लगने वाली हर गोली के साथ मैं तालियां बजाऊंगा। तालियां? तालियां बजाएगा? हाँ, जोर जोर से ताली। देखता हूं तू कैसे ताली बजाता है। मंगल, ये महल अब सुनसान हो चुका है, चलो तुम और राजकुमार मेरे साथ रहोगे। नहीं एसपी साहब, जब तक राजकुमार बालक नहीं हो जाते मुझे यही रहना होगा। और फिर अब राजकुमार की जिम्मेदारी तो आप पर ही है। क्यों नहीं, महाराज की इच्छा पूरी होगी। राजकुमार की शादी मेरी बेटी सीमा के साथ ही होगी। कहाँ है राजकुमार? क्या कह रहे हैं आप, राजकुमार आपके पास नहीं पहुंचा? हमारे पास? हाँ, मैंने तो उसे चेतक के साथ आपके पास भेजा था। लेकिन वो तो वहां नहीं पहुंचा। वहां नहीं पहुंचा? हाँ? तो राजकुमार कहाँ गया? नहीं नहीं, इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। अरे 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 अरे, ये तो मेरे भगवान की माला है। अरे इतना प्यारा बच्चा यहाँ कैसे आ गया? आसपास तो कोई दिखाई नहीं देता। बेटा डरो नहीं, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? बोलो बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? रो मत बेटा, मैं जो हूँ बेटा, मैं जो हूँ।
ये क्या किया तुमने? घबरा मत गुरु, कुछ नहीं होगा। बचपन से सफरों के बीच पला हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। सारे जिस्म पर 9 निशान है, एक निशान और सही। कैसे निशान? सांप काटने के नहीं, तलवारों के निशान। तलवारों के? देखोगे? ये देखो। यही मेरी जन्म पत्री है, बचपन से यही मेरी पहचान है। चलता हूं। सुनो, इधर आओ। तुमने हमारी जान बचाई है, अब ये सब माल तुम्हारा है, ले जाओ। मैं गुरु के गुणों की कदर करता हूं, लेकिन दान नहीं लेता। अरे मैं खुशी से दे रहा हूं भाई, तुमने हमारी जान बचाई है। जान बचाना तो हर इंसान का धर्म है, और संगा अपना धर्म नहीं बेचता। अपने जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने वाले को शंकर अपना दोस्त समझता है, और मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा दोस्त। दोस्त तो फिर माल दो हिस्सों में बटेगा, आधा आधा। ठीक है। आधा आधा नहीं, माल के 3 हिस्से होंगे, 1/3, 1/3 and 1/3, 1/3, 1/3। ये लो। ज्यादा बात की तो घोड़े समेत आधा आधा करके रख दूंगा, फौरन चले जाओ यहां से। हा हा हा, शाबाश। नहीं नहीं नहीं, ये बक्सा तुम लोगों से नहीं खुलेगा। इस बक्से को खोलने का मंत्र सिर्फ हमारे हाथों में है, मगर 1/3, 1/3 and 1/3। अबे वाह, चला सलाब, एक रख के दूंगा थोबड़े का नक्शा बदल जाएगा। वो तो ऊपर वाले ने बदल के भेजा है भाई, मेहनत कर। बहुत बोलता है गुरु। गुरु मेरे पास एक बॉम्ब है, ये बक्सा तो क्या बैंक की सेफ भी फोड़ देगा, अभी लाता हूं। गुरु। हा हा हा, अबे चाय में। बॉम्ब लेकर आया है, मगर माचिस नहीं है बेचारों के पास। इस ताले को खोलना अन्नाड़ियों का काम नहीं, इससे सिर्फ मैं खोल सकता हूं। लेकिन 1/3, 1/3, 1/3, हाँ? Correct, very intelligent man. Name is Danny. नाम की जरूरत नहीं, काम दिखाओ। काम? Gentlemen, will you help me? Come on, you are wasting my time. इसके बाद सलाह नहीं खोल पाया ना, ऐसी पिटाई करूंगा कि सलाह याद रखेगा। खुल जा सिमसिम, माय गॉड। अरे बाप रे, इतना माल! अरे ये गणेशपुर का खजाना तो निजाम के खजाने से कम नहीं। दोस्तों ठहरो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक स्पोर्ट्स गाड़ी चाहिए। ये माल सब तुम ले जाओ, सब। डेनी, वेल डन,
जिस तरह ये पेटी खुली है वैसे बंद कर सकते हो? ऐसा बंद करूंगा कि मास्टर की से भी ना खुले। बेटा रंजीत। हाय डैड। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी कमाई हुई दौलत को तुम और बढ़ाओगे। बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। डैड आप देखते जाइए, एक दिन आपका बेटा अंजानगढ़ का वो गुप्त खजाना आपके कदमों में लाके डाल देगा जिसका पता आप आज तक नहीं लगा सके। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माई सन। थैंक यू डैड। इस मास्टर की से भी नहीं खुल रहा है। मेरा ख्याल है जंग लग गया है। सुजीत, तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है। आप छोड़िए डैड, मेरे पास सब इंतजाम है। पुलिस पीछे ना पड़ती तो हम इसे सीधा यहीं ले आते। डैडी, इसे जमीन में छुपाने की जरूरत ना पड़ती। हमारे इन्फॉर्मर ने खबर दी है कि कम से कम इसमें 50 लाख का माल है। डैड आपके हवाले। ठहरिए ठहरिए, लक्ष्मी के दर्शन से पहले वंदना नहीं करेंगे? शैंपेन। गंगा जल और तुलसी से पवित्र करके लाया हूँ। एंड दिस वेल्थ। ला 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 ला। जैसा
कौन है हम दिल वाले सारी दुनिया से निराले हम जैसा कौन है हजारों का बन कर पैगाम बहारों का जहां कोई वीराना है हमें वहां पे फूल खिलाना है जो भी देखे हमें वो ये बात कहे हम जैसा कौन है हम दिल वाले सारी दुनिया से निराले हम जैसा कौन है हम दिल वाले सारी दुनिया से निराले हम जैसा कौन है बिस्किट भी नहीं सब दोनों सालों ने खा लिए ऐसा नहीं फेंकूंगा दोनों साले आराम से खा के सो रहे हैं पर यहां पेट में चूहे दौड़ रहे हैं लाल एक सफेद दो मुर्गे अरे रोस्ट तंदूरी रोस्ट करके खाऊंगा डर मत तुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी मैं तेरी गर्दन पकड़ के एक झटके में साफ कर दूंगा तो एक सफेद नहीं भरेगा अच्छा पहले से खा ले उसके बाद तुझे खाना साला मेरी गर्दन पर छुरी चला रहा था अरे नहीं मार सब नहीं मार डालूंगा अरे सब माल लेकर भागने अरे नहीं अरे तुम्हारी नहीं मैं तो मुर्गे की गर्दन मुर्गा हाँ भूख के मारे मुझे तुम दोनों मुर्गे नजर आ रहे थे ये सफेद और लाल गुरु माफ करना इसके बाद तुम्हारी बारी थी क्या है जाना भूख तो मुझे भी लगी है अरे किसी को कम किसी को ज्यादा लेकिन गुरु मेरी तो जान जा रही है अरे अभी जाना है मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ इंतजाम खाना है क्या वो देखो सामने कोई है एनीबॉडी खाना तो है एनीबॉडी एट होम हाँ
hands up. हाथ ऊपर करो नहीं तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। उड़ गया जी, उड़ गया उड़ गया। भेजा नहीं है, दिल। कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? आपके हुस्न की जागीर हमें यहाँ खींच लाई है। बकवास मत करो, चोर डाकू बदमाश। वाह वाह, क्या पहचाना हुस्न की जागीर ने। चोरी डाका बदमाशी, वाह, आप जो भी करने दें मेरा कल्याण हो जाएगा जी। कल्याण तो मैं अभी करती हूँ तुम्हारा। तुम्हें शायद मालूम नहीं, हम लोग यहाँ शिकार खेलने आए हैं। गीता जरा अंदर से एक रस्सी ले आओ, अभी लाती हूँ। रस्सी की क्या जरूरत है, बांध कर ही मारना है तो अपनी बाहों में बांध कर मार दीजिए। और कुछ बोले तो गोली से मार दूंगी। गोलियां तो ठाए ठाए चल रही हैं, आपकी नाली बंद हो। शट अप। आप अपने जरा कपड़े ठीक कर लीजिए, नहीं तो मैं भिनवाद मारा जाऊंगा। How dare you? गीता, सुजी, पिंकी। बहादुर। मैं सब चलाई। आई कमी। बहादुर, गोली चलाओ उस पर। चला गोली। चलाएं मैम साहब। मार डालो उसे। मैं सचमुच गोली चला दूंगा। चलाते क्यों नहीं मैम साहब? कैसे चलाएं? इसमें गोली ही नहीं है, सरकार हमको गोली देता ही नहीं। लेकिन इसमें गोली है। यू डोंट नो हु आई एम। मैं तुम्हें। गीता, अब क्या होगा? सीमा की इज्जत खतरे में। अरे कुछ नहीं होगा यार, मुझे तो ये विलन नहीं कोई हीरो लगता है। ऐसे सिचुएशन में रेप नहीं, रोमांस के चांसेस बहुत है। अब मैं जैसे कहूं वैसे करती जाइए। खोलिए। व्हाट? टिफिन कैरियर। चलिए इसमें खाना भरिए। वाह, चल रही। ऐसे हरिया। अरे अरे सम्मत भर। अरे हम क्या खाएंगे? अरे आप आइए, आप लाओ लाओ लाओ, फ्रूट्स भी आने दो आने दो। और देखो मुर्गी चाहिए, मुर्गी मेरे दोस्त लोग को बहुत पसंद है। क्या बात। अब ये टिफिन कैरियर उठाइए और मुझे बाहर छोड़ाइए। अरे अरे, ये तो किडनैपिंग हो रही है। अच्छा चलिए चलिए। तुम आगे हाथ में। ओह गॉड, इतने सारे रुपए। अरे ये भी नोटों से भरा हुआ है डॉक्टर बागची। सारे बॉक्सेस फिर से नोटों से भर गए हैं। एक चिट्ठी भी है, ये देखिए। डॉक्टर साहब, आपकी बरसों की निष्काम सेवा ने कल के इस छोटे से अस्पताल को आशा के बड़ा और मॉडर्न हॉस्पिटल बना दिया है। ये पैसे नए इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए हैं। आप अस्पताल को बढ़ाते रहिए, पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। ये मस्ती है नैन जी। हाँ जानती हूँ सिस्टर, जब भी मुझे अस्पताल के लिए ऐसा गुमनाम पैसा मिलता है तो मुझे हमेशा उस नौजवान की याद आती है। डॉक्टर साहब, माँ ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब तैयार रखना, जल्दी करो। सॉरी डॉक्टर, सिलेंडर तो एक ही है और वो भी एक्सीडेंट वाले पेशेंट को दिया हुआ है। डॉक्टर साहब, सिलेंडर कहाँ मिलेगा मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर बागची बोल रहा हूँ। यस, आप मुझे फौरन एक ऑक्सीजन सिलेंडर और दो बोतल ओ ग्रुप ब्लड भेज दीजिए। क्या कहा, ब्लड नहीं है? ओ गॉड। अच्छा आप सिलेंडर भेज दीजिए,
ब्लड में नेशनल हॉस्पिटल ट्राई करता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर पेशेंट की नर्व डूब रही है, शी इज सिंकिंग। माँ माँ डॉक्टर सॉरी माँ नहीं नहीं शंकर, आज इस अस्पताल में अगर ब्लड होता, ऑक्सीजन सिलेंडर होता तो शायद मैं तुम्हारी मां को बचा लेता, लेकिन क्या किया जाए, इस देश में सिर्फ एक तुम्हारी मां नहीं, न जाने कितनी मांएं हैं जो बिना इलाज के मर जाती हैं और मरती रहेंगी। नहीं! मां, तेरी पवित्र आत्मा की सौगंध मां, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद कोई गरीब मां बिना इलाज के नहीं मरेगी, नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी। डैडी, भैया। हाय आशा। डैडी, मैं जानती हूं आपके दिल में क्या है। भैया, मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं। आशा, तू कहना क्या चाहती है। डैडी, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने आज ये ड्रेस क्यों पहनी है। ओ, तू कॉलेज के ड्रामे में हंटर वाली का पार्ट कर रही है क्या। ओह नो डैड, आशा के दिमाग पर आजकल घुड़सवारी का भूत सवार है। राइट राइट भैया ने ठीक पहचाना। पर ये कारें छोड़कर घुड़सवारी क्यों। हॉर्स राइडिंग इज अ डेंजरस गेम। करेक्ट। क्यों रिस्क लेती हो। डैडी, आप तो खामखा घबरा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर मेरे साथ बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर है। बाय डैड। आशा, लिसन डैड, मैं भी चलता हूँ, मुझे बॉब से मिलना है। रंजीत, तुम ठहरो। बेटा, जल्दी वापस आ जाना। बाय डैड। बाय आशा। बाय। कितनी बार कहा है तुम्हें अपनी बहन के सामने ऐसी बातें मत किया करो। आशा को हमारी डबल लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। I'm sorry, Dad. चोर तेरा नाम है। ओ नीम चोर।
चित चोर तेरा नाम है। कैसे पागल ना होगा, पागल प्रेमी प्रेम है पापी, रूप यूं ही बदनाम है, अरे चोर तेरा नाम है, चित चोर तेरा नाम है। ओ नींद चुराना चैन उड़ाना ये तो तेरा काम है, चोर तेरा नाम है, चित चोर हालत में कुछ कहने से अच्छा है चुप रहना, कुछ ना कहना यूं चुप रहना प्यार भरा पैगाम है, अरे चोर तेरा नाम है, चित चोर तेरा नाम है। लकी मिस्टर मंगल, वरना ऐसे एक्सीडेंट में तो आपकी दोनों आंखें भी जा सकती थी। थैंक गॉड आप दोनों का खून मिल गया। यस,
ABRH negative blood, blood bank में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। It's very rare. तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा बेटे? कर्ज तो आपने मेरा चुका दिया। वो कैसे? मुझे बेटा कहकर। आज तक किसी ने मुझे बेटा नहीं कहा। क्यों? तुम्हारे माँ बाप? कुछ पता नहीं कौन है। मैं तो बहुत छोटा था, तब खाना बदोशों को टोकरी में पड़ा मिला था। मैं उन्हीं के बीच बड़ा हुआ हूं। तो क्या तुम्हारी कोई पहचान नहीं? पहचान तो ये अपनी पीठ पर लिए घूमता है। पीठ पर? अरे आप लोग अभी तक यहीं पर हैं? प्लीज लीव हिम अलोन, इन्हें आराम की जरूरत है। जी अच्छा अंकल, हम चलते हैं। सुनो, मैंने तुम दोनों के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। जी मेरा नाम आशा है और ये है सांगा। जी हम दोनों समझ गया समझ गया। तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? जी क्या करूं, मेरे माता पिता नहीं और इनके पिता से बात करने में मुझे डर लगता है। मुझे ठीक हो जाने दो, मैं आशा के पिता से बात करूंगा। तब तो हमारी शादी में आशीर्वाद देने के लिए आपको मेरा पिता बनना ही होगा। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। अच्छा हम शाम को फिर देखने आएंगे। जीते रहो। आशा बेटी तुम ठीक हो ना? हाँ डैडी। कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं भैया कोई खास नहीं। थैंक गॉड। डैडी ये सांगा है। हेलो हेलो। अच्छा तो ये है तुम्हारा एक्सपर्ट हॉर्स ट्रेनर? जी नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी चला रहा था, आज ही खरीदी थी और आज ही खत्म हो गई। तुम क्यों बच गए? डैडी जिन्होंने आपकी बेटी की जान बचाई है उनसे तो मिलिए। हाँ चलो। अंकल मेरे डैडी और भैया आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते, आप लोग बैठिए। डैडी अगर ये अपनी जान पर खेलकर मुझे ना बचाते तो आज आप मुझे जिंदा ना देखते। मैं आपके इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन कुछ सेवा करने का मौका दें तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। ये आवाज ठाकुर साहब आप यहाँ? हेलो डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने घर ले जाना चाहूंगा, इनके हाँ। इलाज में कोई कमी नहीं होगी। उसी की आवाज। ये क्या कर रहे हो भाईजी साहब? आप ये लाखन सिंह है। ये क्या कर रहे हो? मैं इसकी आवाज पहचानता हूँ, ये उसी लुटेरे की आवाज है। यही अचारा लाखन सिंह है भाईजी साहब। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। हद हो गई तुम्हारे वहम की। ये लाखन नहीं, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह है। ठाकुर? नहीं। हाँ ये शहर का बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ अंकल आईजी सब सच कह रहे हैं। I'm sorry ठाकुर साहब। It's all right. दरअसल मंगल की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हो चुका है जिसे ये कभी भुला नहीं पाया। ऐसा क्या हुआ था अंकल? मैंने वफादारी का ऐसा रूप नहीं देखा, कुर्बानी की इससे बड़ी मिसाल मुझे कभी सुनने को नहीं मिली। मालिक के बेटे को बचाने के लिए इसने अपने इकलौते बेटे को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ। और ये कटा हुआ बाजू भी बलिदान के उसी यज्ञ की एक महान आहुति है। अंकल आपका यज्ञ बेकार नहीं जाएगा, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन आपकी आहुति आग बनकर उस रावण को
और उसकी सोने की लंका को जलाकर राख कर देगी। किसने यहाँ फेंका? फेंका नहीं, वो गिर गया। अच्छा हुआ इसके साथ आप नहीं गिर गईं, वरना ये बिजली के तार देख रही हैं, पूरे 440 वोल्ट के। कितने वोल्ट के? 440 वोल्ट। हाँ, 440 वोल्ट, छुआ कि जिस्म राख। लेकिन इतना जबरदस्त करंट क्यों? वाह वाह वाह, ये 2 करोड़ की चीज ऐसे ही खुली छोड़ देंगे? ये 2 करोड़ का है? और नहीं तो क्या, जानती हैं भारत के सारे चोर डाकुओं की नजर इस पर और मेरी नजर उन सब पर। करेक्ट, मैंने ही सरकार से कहकर इसकी हिफाजत के सारे इंतजाम किए हैं। यहाँ चारों तरफ टीवी के कैमरे छिपे हुए हैं। अच्छा, यहाँ से लाल बाजार तक अलार्म की लाइन बिछी हुई है। कहाँ तक? बाजार तक। ठक, बाजार ये भिंडी बाजार नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार। सुना, पुलिस वैन आ गई है। रघु स्विच ऑफ कर दे। आप पर तो बड़ी जिम्मेदारी है। होनी ही चाहिए, मैं जो यहाँ का हेड गार्ड हूँ, जैसे पहले शाही खजाने की रक्षा अजगर सांप करता था, वैसे ही इस शहर में 2 करोड़ की ताज की रक्षा अनंतनाग करता है। मैं अनंतनाग। इस ताज से एक नया हॉस्पिटल खोलूंगा, तेरा आशीर्वाद साथ है माँ। तो अब ये 2 करोड़ का बेजान ताज लाखों इंसानी जाने बचाएगा। हेलो सर, मैं लिली बोल रही हूँ। हाँ लिली, मैं बोल रहा हूँ। म्यूजियम में सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक पक्षी भी ताज तक नहीं जाता। खास खबर ये है कि 4 दिन बाद क्राउन दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तुम 3 बजे मुझे मिलो। सुनो रंजीत। या डैड। तुम जेंगो को खबर कर दो। जेंगो वही लोहे के दांत वाला? हाँ वही, लेकिन जरा होशियारी से, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में वो मर चुका है। उसे कब्रिस्तान के रास्ते से लेके आना। मंटू बेटे, तुम्हें तुम्हारी मम्मी याद है ना? वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी ना? तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे खिलौने लाया करती थी, याद है तुम्हें? पिछले बर्थडे पर बिल्कुल ऐसा एक इंजन लाई थी तुम्हारे लिए, याद है तुम्हें? Like it, Montu? Very much, मम्मी। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसीलिए सब कुछ ठीक हो रहा है। ऑफिस से लौटते वक्त एक शरीफ आदमी ने घर तक लिफ्ट दे दी, वरना अब तक तो बस की क्यू में खड़ी रहती। डैडी कभी आएंगे? मैंने ऑफिस से फोन कर दिया था, अभी आते होंगे। अच्छा तुम ये लेकर खेलो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स आते होंगे। मोंटो, अपने डैडी को बुलाओ। उसका डैडी घर पर नहीं है, मैंने अभी सब सुना है। बदमाश, छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दे। मम्मी को छोड़, छोड़ दे मम्मी को, छोड़ दे मेरी मम्मी को। मम्मी, मोंटो, छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे। मैं छुरी चला दूंगी, छोड़ दे मेरी मम्मी। आगे मत बढ़ना, मम्मी को छोड़ दे, वरना मैं छुरी चला दूंगी। मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी छोड़ दे मेरी मम्मी को। तुम मुझे नहीं मार सकती, छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे, मैं आपको मार दूंगी, छोड़ दे, छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़।
कम नहीं। मम्मी, मम्मी, मम्मी। उस दिन घर में कौन आया था? किसने तुम्हें कमरे में बंद किया था? वो हरामजादा कौन था जिसने तुम्हारी मम्मी को मार डाला, जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज चली गई? बोलो मंटो, कम ऑन ट्राई बेटे, सिर्फ एक बार उसकी शक्ल, उसका कद, उसके कपड़े, उसकी कोई निशानी बता दे बेटे। बोलो बेटे, बोलो बोलो बेटे, तुम बोलते क्यों नहीं? डार्लिंग, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे मंटो पर गुस्सा किया। तुम तो जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद मंटो भी अपनी आवाज खो बैठा है। उसकी आवाज वापस पाने के लिए मैंने हर कोशिश की, सारे रास्ते अपनाए, लेकिन अब लगता है सब बेकार है, अब नहीं सह जाता। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। Bless your son to speak, Monica. एक बार मंटू उस कातिल के बारे में मुझे बता दे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी कसम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैरी, मंटू को घर ले जाओ। जो मंटू, उठ रहने। उस कातिल की कोई निशानी तो मिली होगी? सिर्फ सिगरेट का एक टुकड़ा मिला था, ये देखो। वो जो भी हो, आज से सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सब का दुश्मन है। जंगो, तुम एक बार मर के भी जिंदा हो, याद रहे, दुनिया में बार बार मौत को धोखा नहीं दे सकते। मिस्टर रंजीत, मेरा नाम जेंगो डिकोस्टा है। बिल्ली अगर 9 बार मौत को धोखा दे सकती है तो जेंगो उससे ज्यादा है, क्योंकि मैं मौत को अपने मुंह में लिए फिरता हूं। गुड लक। जेंगो, हीरों का मशहूर चोर, कार एक्सीडेंट में मारा गया। What can I do for you, my son? Father. Yes. अभी मैंने इस graveyard में एक आदमी को देखा है, जो एक साल पहले मर चुका था। What? और ये टोपी मैंने उसी आदमी के साथ। Oh, ये टोपी तो मेरी है, my son. मैंने ही इसे यहाँ रखा था। और फिर एक बार heaven जाकर कोई वापस नहीं आता, my boy. लेकिन father, ये आदमी definitely वही था, क्योंकि जिस चीज को मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे दिमाग में उसकी तस्वीर हमेशा के लिए छप जाती है। That means a devil's eye. No, no, my son. ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं फादर, नहीं। उस आदमी की तस्वीर 6 दिसंबर 1982 को इंडियन एक्सप्रेस के तीसरे पेज पर खबर के साथ छपी थी। हीरों का मशहूर चोर कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसका नाम था, हाँ, जेंगो। ओह, यू मीन जेंगो डिकोस्टा।
How sad. लेकिन करने की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है माई सन. देयर हिज सोल रेस्ट्स इन पीस. हैव करेज माई चाइल्ड. ये जेंगो की विडो है. बेचारी अक्सर यहां आकर अपने हस्बैंड की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रेयर करती है. सॉरी फादर. इट्स ओके माई सन. गॉड ब्लेस यू ऑल. तुम लोग मानो या ना मानो, वो आदमी जेंगो ही था. मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे सकती. वो लोग चले गए हैं. Any more questions? Hello, बेटे. Hi, Dad. Dad, मैंने जंगो को सब समझा दिया है कि ये ताज ट्रेन से दिल्ली जा रहा है और इसके साथ साथ पुलिस का बहुत कड़ा बंदोबस्त भी है. जितना भी इंतजाम हो बॉस, ये ताज कल शाम तक आपके कदमों में होगा. ज्यादा बड़बड़ मत करो जंगो. जानते हो कुछ लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है. मुझे? हाँ, और बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़वाया है. इस तरह तो तुम कभी भी पकड़े जा सकते हो और मैं 2 करोड़ का रिस्क कैसे नहीं ले सकता. मुझे तुम्हें दिल्ली किसी खास तरीके से भेजना होगा. डैड, ट्रेन मुकुट वाले डब्बे के साथ में 10 नंबर गेट से निकल गई है. ओके, ओवर. ओके दोस्तों, मैं इस इंटर कॉलेजिएट कल्चरल कॉम्पिटिशन के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बना के बहुत इज्जत बख्शी. और ये जानकर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि इस कॉम्पिटिशन में जो टीम जीतेगी उसे जो इनाम दिया जाएगा वो हमारे मुअज्जज ठाकुर साहब की तरफ से है और वो है क्राउन ऑफ द ईयर. ये सर, विजय मुकुट चोरी हो गया है. चलती ट्रेन से? इम्पॉसिबल. जी हाँ, मंकी हिल के पास. ठाकुर साहब, माफ कीजिएगा, मैं यहां नहीं रुक सकूंगा. लेकिन आप चीफ गेस्ट हैं. मेरी जगह आप संभाल लीजिएगा. बाय. भैया, आईजी साहब जा रहे हैं? क्या हुआ अंकल, आप फंक्शन खत्म होने से पहले ही जा रहे हैं? हाँ, एक जरूरी काम आन पड़ा है. तो फिर विनर को ये ताज कौन पहनाएगा? अब ये काम तुम्हारे डैडी करेंगे. यस, आईजी प्रवीण सिंह हियर. क्या कहा? विजय मुकुट लेकर पानी में कूदने वाला आदमी बॉयलर सूट पहने हुए था, ऑरेंज कलर का. तुम हेडक्वार्टर से टीवी और रेडियो दोनों पे खबर कर दो और शहर के आने और जाने वाले सब रास्तों पे कड़ी नाकाबंदी करवा दो. और सुनो, बगैर तलाशी लिए किसी को भी न छोड़ा जाए. मैं भी आता हूं. अब एक ही रास्ता है, विजय मुकुट को उस्ताद के साथ बदल लिया जाए. उसके बाद जीतने वाला और मैं. दोस्तों, गुजरते हुए साल को अलविदा और नए साल को खुशामदीद कहने के दरमियान जो चंद लम्हात हैं उनमें जो मुकाबला आपके सामने पेश होने जा रहा है उसका मौजू है नया और पुराना. Thank you.
सच कहता है, सच कहता है ये सारा जमाना, सच कहता है ये सारा जमाना, नया नया होता है पुराना पुराना, नया नया होता है पुराना पुराना। ये तो कहावत है बरसों पुरानी, सोचो नई कोई छेड़ो कहानी, क्या हमसे कह दो के हमने ये माना, क्या हमसे कह दो के हमने ये माना, नया नया होता है पुराना पुराना, अरे नया नया होता है पुराना पुराना। चमक पे न जाना, खिलौने की झूठी चमक पे न जाना, वो नया नया होता है पुराना पुराना, अरे नया नया होता है पुराना पुराना। ठाकुर साहब आपका फोन। थैंक यू। हेलो। बैड न्यूज़ सर, कुछ लोग जैंगो को धोखा देकर विजय मुकुट ले गए। हेलो। Yes? उन्होंने बॉयलर सूट पहने थे और पानी में कूदने वाले आदमी ने ऑरेंज कलर का बॉयलर सूट पहना था। लकी विनर मिस सीमा अपनी।
जस्ट मिनट प्लीज। पुराने साल के खत्म होने में और नए साल के शुरू होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। रोशनियां बुझने पर मैं ये ताज इन्हें पहनाऊंगा ताकि अंधेरे में सिर्फ एक ही रोशनी जगमगाए। चाबी के लिए शुक्रिया। ये ताज हमें दे दो। ताज? तुम? हाँ मैं। उस दिन खाना ले गया था, आज ये विजय मुकुट ले जाऊंगा। विजय मुकुट? जो आपने पहन रख। अच्छा हुआ, अब इस गुंडे को पुलिस के हवाले कर दो। और लाइए विजय मुकुट, मैं इसे पुलिस को दे दूंगी। ऑफ कोर्स सुरेश। आजाद, यह लड़की विजय मुकुट के बारे में सब कुछ जान गई है, इसे चांदीवली के जंगयार्ड में ले जाकर खत्म कर दो। ओह नो, तुम लोग भी इस लड़की का कोई दोष नहीं, छोड़ दो इसे। इसके भी हाथ पांव तोड़ के गाड़ी समेत टाइगर पॉइंट से नीचे फेंक दो। छोड़ दो मुझे। कहाँ जा रही हो? चार चार मिलकर एक को मार रहे हो, शर्म नहीं आती? उठ उठ जा शेर के बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। उस चोर को बचाने के लिए हम शरीफ लोगों को मार रहे हैं, कमाल है। चोर? रुक जाओ। चोर! चोर! तमीज है। इससे पहले कि मौत तुझे गले लगाए, एक बार मुझे तो गले लग जाने दो। लेकर फौरन चली जाइए, चाहिए। मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ के जाऊं? इस गैंग के दूसरे लोग किसी वक्त भी यहां पहुंच सकते। आप फौरन चली जाइए। आप
मैंने इसे गलत समझा। बुरा आदमी होता तो मुझे बचाने यहाँ क्यों आया? 2 करोड़ का ताज लेकर भाग क्यों न गया? अरे ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों ने मेरी फोटोज क्यों उतारी है? पेपर्स में छापने के लिए। तुम्हारा नाम हेडलाइंस में आएगा। पेपर्स हेडलाइंस? तुम नहीं जानते तुमने कितना रिमार्केबल काम किया है। 2 करोड़ रुपए का ये विजय मुकुट नेशनल प्रॉपर्टी है, जिसे तुमने चोरों के हाथों से बचाया है। अच्छा, इस मुकुट को सरकारी हिफाजत में रख के मुझे दफ्तर पहुंचना है। सी यू। सीमा बेटी, इनका ख्याल रखना। जी। कैसे हैं आप? आपकी दुआ से अच्छा हूँ। बाय द वे, ये साहब कौन थे? मेरी डैडी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी पुलिस? जी हाँ। एक गिलास पानी लाएंगी? लीजिए। एक ग्लास और लाइए। अभी लाती हूँ। Hands up! Ooper out! I said move! अपने कपड़े ठीक? No tricks! मैं जानती हूँ मेरे कपड़े ठीक हैं। चलो, चलो। अब तैयार हो जाओ। खाना तैयार है, आप यहाँ पे खाएं या साथ में ले जाएं? मैं जानती हूँ खाना देखते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। उस दिन तो तुम जबरदस्ती खाना उठाकर ले भी गए थे। आज नहीं ले जाऊंगा। आज तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खाना खिलाऊंगी। जी? अपने हाथों से। सच? सागा, सागा मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगी। सागा, सागा प्लीज रोको। सच बताओ, तुम मुझे प्यार करती हो? करती हूँ। मुझसे शादी नहीं करना चाहती? चाहती हूँ। तो फिर मेरे साथ मरना क्यों नहीं चाहती? डर लगता है। ठीक है, तो फिर मैं अकेला शहीद हो जाता हूँ। अपने बाप को बोल देना कि मरने के बाद मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। बोल दूंगी सांगा, लेकिन तुम मरना नहीं। मेरी राख उसके सर चढ़कर बोलेगी कि हमारी मोहब्बत पाक है। हाँ पाक है। हमारा प्रेम अमर है। हाँ हमारा अमर प्रेम है, लेकिन तुम मरना नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बगैर मरूंगा नहीं, लेकिन पानी के नीचे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हे सागर देवता, अपनी बाह में मुझे ले लो, मैं आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये तो सचमुच डूब गया। ज्यादा नीचे मत जाना सांगा, मैं आ रही हूँ। तैरना नहीं आता तो कूदे क्यों? तुम ही ने तो कहा था पानी के नीचे तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। मेरे साथ मर सकती हूँ और शादी नहीं कर सकती। शादी हो जाएगी सांगा, डैडी मान जाएंगे। अरे तुम्हारा डैडी तुम्हारी डोली नहीं मेरी अर्थी उठवाना चाहता है। कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम? डैडी ने तो कल तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है। क्यों? मुझे केक बनाकर काटना चाहते हैं क्या? डोंट बी स्टूपिड। मुझे यकीन है कल डैडी हमारी एंगेजमेंट अनाउंस कर देंगे। ये! तुम सच कह रही हो? हाँ, तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाने को बोला है। शंकर और डैडी को भी? हाँ। ये तो सांप के मुंह से अमृत टपका। क्या मेरे डैडी को सांप बोलते हो?
अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लड़े सांप क्यों होंगे, वो तो देवता है, नाग देवता। अच्छा, और तुम तो जानती हो बचपन से मैं नाग की पूजा करता हूँ, अब तुम्हारे डैडी की पूजा करूंगा, हम दोनों मिलकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे। क्यों भागा? मेरी बेटी को पाने के ख्वाब देखने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंकर, जिस हरामजादे ने 2 करोड़ का मुकुट हमारे हाथ से छीन लिया, और डैनी जिसने कब्रिस्तान में हमारे जेंगू को पहचान लिया, That bastard has got a photographic memory, तेज यादाश्त। मैंने उन 3 मूर्तियों को आशा के बर्थडे पर इनवाइट किया है। ये लो, याद रहे कि ये पार्टी उनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होनी चाहिए। जागेंगे आज की रात, रात भर जागेंगे।
गाना बहुत अच्छा गा लेती हैं मिसेस जंगो डिकोस्टा। कौन जैको? चेहरे पर पर्दा डालकर भी अपनी कंजी आंखों को आप डैनी की नजरों से नहीं बचा सकी। जंगो कौन है, कहां है और वो पादरी कौन था? बोलो बोलो। जेंगो कहां है? बताओ तुम जेंगो के बारे में क्या क्या जानती हो? देखो हम लड़कियों के साथ ज्यादती नहीं करते, जल्दी जल्दी बता दो। शाबाश, ये रहा तुम दोनों का इनाम। थैंक्स। हम तुम दोनों के काम से बहुत खुश हुए। बॉस, और 10 मिनट फिर ट्रेन उन तीनों के ऊपर से यूं गुजर जाएगी। ये रहा सबूत। ना 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 ना, ना। सबूत जमा करना तो पुलिस का काम है और सबूत मिटाना हमारा काम।
बेहोश हालत में हम उन लोगों को यहीं बांध कर गए थे सर। तो वो गए कहाँ? आपको कहा था ना बॉस, ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाएगी। ये देखिए वही रस्सी। लेकिन वो तीनों गए कहाँ? शायद चील को भी खा गए होंगे। बकवास मत करो। अगर वो तीनों नहीं मिले तो तुम्हारी बोटियां करके कुत्तों को डाल दूंगा। इडियट्स। ये लॉकेट तो? हाँ, ये वही लॉकेट है जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। रेडी डैड? हाँ। इसका मतलब अंजानगढ़ खजाने के नक्शे वाला लॉकेट जिसका पता अजीत साहब और मंगल अभी तक नहीं लगा सके, वो हमको मिल गया? नहीं, मिला नहीं, मिलना चाहिए। डैड, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं इस इंसान को जिंदा या मुर्दा आपके कदमों में लाके डाल दूंगा, और मैं उस शाही खून को अपने हाथों से शाही कफन पहनाऊंगा। मेरे ख्याल में सबसे पहले लिली को पकड़ना चाहिए, वो हाथ लग गई तो पादरी के बारे में उसके मुंह से उगलवा लेंगे। ओफो, और कोई टॉपिक ही नहीं है तुम लोगों के पास सिवाय 7 फुट का आदमी, लिली या तो पादरी। गुरु, वो रहा पादरी। तुमको तो हर गाउन पहना हुआ आदमी लिली वाला पादरी लगता है। बैठ जा। साला एक बार हाथ आ जाना, कीमा बना कर रख दो। क्या लाऊं साहब? एक प्लेट पादरी का कीमा लाओ। पादरी का कीमा? और एक तंदूरी ले ले। पूछ के आता हूँ। अरे मजाक छोड़ो, लिली को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ढूंढो, खूब ढूंढो। जब दोनों मिल जाए लिली से शादी करके पादरी से आशीर्वाद ले लेना। गॉड ब्लेस यू। आशा, तुम बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ। अरे 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 मोहतरमा, माना हसीनो जमील है, नाजनीन है, दिल नशीन है, लेकिन खुदा की बख्शी हुई इन दो नेमतों का तो इस्तेमाल कीजिए। अजी, हमारा सरजमीन लखनऊ में तो आज तक। आई एम सॉरी खान साहब। माशाल्लाह, ए हुस्ने बंगाल, मैं सदके तुझ पर। क्या शबाब है, रक्से महताब है। मोहतरमा, इन साहिबा ने बेगम को धक्का मारा है, आप मुझे मार दीजिए, बहुत सवाब मिलेगा कसम खुदा की। I got it. एक बार वो ब्लू शर्ट मिल जाए तो लिली हमें जरूर मिल जाएगी। हुजूर, जैसे हर गाउन पहनने वाला आदमी लिली का पादरी नहीं हो सकता, उसी तरह शहर की हर ब्लू शर्ट लिली की भी नहीं हो सकती। तंगा ठीक ही बोला है। Both of you are right. लेकिन हर ब्लू शर्ट का नंबर MMU7938 तो नहीं होगा। सबकी लेफ्ट बैक लाइट तो टूटी हुई नहीं होगी। सबकी पिछली नंबर प्लेट के दाहिनी तरफ सिल्वर कलर का हॉर्स शू तो नहीं लगा होगा। सबके रियर ग्लास पर एक्स्ट्रा कलरफुल ब्रेक लाइट तो नहीं लगी होगी। समझा। अगर वो गाड़ी सड़क पर चल रही है तो हमारी नजरों से बच नहीं सकती। मिस्टर शंकर, आपके लिए मिस लिली का फोन। मिस लिली? हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूँ। हेलो। अच्छा हुआ हम आप तीनों को होटल में जाते देखा। हम आपको उस पादरी के बारे में बताना चाहता जो आप तीनों की जान लेने मांगता। असल में वो पादरी ही नहीं है। तो फिर कौन है वो? यही हम आपको बताना चाहता। विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर 3 बजे। विक्टोरिया मेमोरियल? हाँ, चेंगू शैडो की तरह हमारा पीछा करता, हम बुरखे में आएगा। गुरु, आ गए। राइट इन टाइम। मैं देखता हूं। अरे गुरु, दो दो। मैंने कहा था ना, ये सब पादरी की चाल है। चाल है तो क्या हुआ? जरा देखो चाल को बेचाल कैसे करता हूं। तुम उसके पास जाओ, मैं इधर जाता हूं। यानी हम बातें करते हुए दोनों लड़कियों किस तरफ ले आएंगे। तुम कोई खतरा देखो तो गाड़ी ऊपर चढ़ा देना, हमारी फिक्र मत करना। ओके। सुनिए, आप ही तो मिस लिली है ना? हाय अल्लाह, हम तो अभी मासूम कली हैं। जी, आप मिस लिली हैं ना? हाय अल्लाह, हम तो अभी मासूम कली हैं। जी आइए,
किसी गोशाए तनाई में चलते हैं। तनाई में क्यों? आपको डर है कि वो लोहे के दांत वाला आपके पीछे है? हाय अल्लाह, एक तो हम कमसिन हैं, ऊपर से ये बेपनाह हुस्न, लोहे क्या, इस शहर में तो सोने के दांत वाले भी पीछे पड़े हुए हैं। जी, लेकिन मुझे पीछे लगने का कोई शौक नहीं, मैं नकली पादरी के बारे में जानने के लिए आया हूँ। ज़हन-ए-नसीब जो आप तशरीफ ले आए, पहली वादा कीजिए आप हमारा साथ देंगे। हाँ हाँ ठीक है, पहले ये तो बताइए आप लोगों की हम लोगों से क्या दुश्मनी है? खुदा ना करे कोई दुश्मनी हो, ये तो जनाब तकरार है प्यार की, जो अक्सर मोहब्बत करने वालों में होती ही रहती है। मोहब्बत? कौन मोहब्बत करने वाला है? अल्लाह रे ये मर्द की जात, अपना दिन होगा तो जाने जिगर, दिल की मलिका और न जाने जिस्म के किस किस हिस्से के ताजदार बना देंगे, और हमने जरा सी मोहब्बत की बात छेड़ी तो कहते हैं कौन मोहब्बत करने वाले। आप मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, अब तो मैं हर बात गलत ही समझूंगी, आपके दिलो दिमाग पर दूसरी जो छा गई है। दूसरी? ये दूसरी कौन? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप लिली तो है ना? नाम तो लिली है, लेकिन आपके इश्क ने मुझे लैला बना दिया है, वरना बुर्का पहनकर यहाँ क्यों आती? तो उतार दीजिए। हाय अल्लाह, ये क्या कह दिया आपने, मर्द की नीयत खराब होती देर नहीं लगती। मेरी नीयत पे शक मत कीजिए, उस हरामजादे पादरी के बारे में बताइए। छी 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 छी, ला हाल विलाकूर। हुजूर, किसी को गाली देकर अपनी जुबान क्यों गंदी करते हैं? अगर आपको पादरी पसंद नहीं है तो हम काजी को बुलवा लेते हैं। काजी? किस लिए? निकाह के लिए। निकाह? निकाह नहीं तो हम विवाह कर लेंगे, आप शंकर हैं तो हम आपके पार्वती बन जाएंगे, पंडित बुलवा लेंगे। लेकिन आपसे किसने कहा कि मैं आपसे? आपके दिल ने, हम जानते हैं आप हमसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल गलत, गलत नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल सही। अरे अरे रे, अरे रे रे, अरे ये क्या भूल भुलैया रे भैया। शहरों में से शहर सुना, हाँ भैया, शहरों में से शहर सुना, शहर कलकत्ता, गली गली भूल भुलैया, भूल गया रास्ता, हम खो गए देश में परदेसी हो गए। शहरों में से शहर सुना, शहर कलकत्ता, गली गली भूल भुलैया, भूल गया रास्ता, हम खो गए ओ देश में परदेसी हो गए। साथ में काम का भैया हो हे हे ही ही, नाम के साथ में काम का भैया, संग न देखा कोई, चौरंगी बाजार को देखा, रंग न देखा कोई, देखो कैसे भागे रिक्शा वाला बनके घोड़ा, नीचे गंगा ऊपर दंगा, हावड़ा ब्रिज है लंबा चौड़ा। समझे भैया? शहरों में से शहर सुना, शहर कलकत्ता, गली गली भूल भुलैया, भूल गया रास्ता, हम खो गए ओ देश में परदेसी हो गए, ये बंधु देश में परदेसी हो गए। जैसे गोकुल मथुरा काशी, माखन चोर की भूमि, ऐसे नेताजी की धरती, ये टैगोर की भूमि, मिलजुल के सब जीना सीखो, जीवन खेल तमाशा, एक हमारा देश है चाहे बोलो कोई भाषा।
शहरों में से शहर सुना शहर कलकत्ता, गली गली भूल भुलैया भूल गया रास्ता, हम खो गए ओ देश में परदेसी हो गए, अमाओ देश में परदेसी हो गए। श्याम बाजार में श्याम भाई पर हाँ, श्याम बाजार में श्याम भाई पर श्याम नजर न आए ना, राधा बाजार में राधा जी के दर्शन पाए, टालीगंज में टाली है ना बालीगंज में बाली, लेकिन काली घाट में बंधु देखी माता काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मैं दिल्ली में था, लेकिन यहाँ की सारी पुलिस तो मेरे साथ दिल्ली नहीं चली गई थी जो तुम लोगों ने इतनी दौड़ धूप मचाई। मुजरिमों को पकड़ना पुलिस का काम है, तुम लोगों का नहीं। सर, लिली मर्डर केस में बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से गोली चलाई गई और रिवॉल्वर 32 बोर का था। सर, जिसने अपने आदमियों के जरिए हमें रेलवे ट्रैक पर बंधवा कर मारना चाहा, ये जरूर उसी प्रेस्ट का काम है। एक्सक्यूज मी आईजे साहब। हेलो एवरीबॉडी। आशा बेटे, तुम ठीक तो हो ना? जी डैडी। आईजे साहब, मैं तो इसलिए हाजिर हुआ था कि शायद किसी जमानत वगैरह की जरूरत पड़े। नहीं नहीं ठाकुर साहब, अगर कुछ ऐसा हो भी तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? आईजे साहब, कातिल का कुछ पता चला? जी नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सर, एक क्लू मिला है, ये रोलिंग सिगरेट। आज साहब, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि खूनी ऐसी ही रोलिंग सिगरेट पीता है। रोलिंग सिगरेट तो कोई भी पी सकता है बेटे। ठाकुर साहब, डैनी ने एक बार उसे देख लिया होता तो कातिल अब तक पुलिस की हिरासत में होता। हाँ डैडी, आप नहीं जानते, डैनी हैज अ फोटोग्राफिक मेमोरी। अच्छा, एक्सक्यूज मी ठाकुर साहब, आप जरा खड़े होंगे। क्यों, क्या बात है? वही नकनक्शा, वही जिस्म और वही कद। क्या मतलब? आईजी साहब, मैंने जिस पादरी के बारे में आपसे बोला था बिल्कुल ठाकुर साहब है। आई मीन डुप्लीकेट। व्हाट नॉनसेंस। हाँ आईजी साहब, इन्हें दाढ़ी लगाकर गाउन पहना दीजिए तो ये असली पादरी लगेंगे और वो नकली। डैनी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। I'm sorry, uncle. इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। दरअसल तुम लोग खून खराबे की बातों में इतनी दिलचस्पी लेते हो कि एक दिन खुद को ही खूनी समझ बैठोगे। You are right, ठाकुर साहब। और उस दिन मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। आईजी साहब, मैं आशा बेटी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? Sure. Thank you. Bye, uncle. Bye. सीमा, मैं सबके लिए संडे मॉर्निंग शो मेट्रो की टिकटें मंगवा रही हूँ। अच्छा, see you there, bye. नहीं आशा, शंकर का टिकट नहीं मंगवाना। क्यों? मैं बताना भूल गया, शंकर कल दिल्ली जा रहा है। जी, दिल्ली? विजय मुकुट को चोरों के हाथ से बचाने के सिलसिले में इंडियन हेरिटेज कमिटी तुम्हें अवार्ड दे रही है और साथ साथ 1,00,000 रुपए का नकद इनाम भी। ये लो तुम्हारा एयर टिकट, तुम्हारी फ्लाइट 173 कल सुबह 10 बजे की। हेलो ठाकुर साहब,
गाड़ी खराब हो गई क्या? मैं हेल्प यू? नो थैंक्स। हाउ आर योर फ्रेंड्स? वेरी फाइन। ओके बाय बाय। Congratulations, Mr. Shankar, the savior of our Vijay Mukut. Thank you very much. यही तो है? हाँ। Oh yes, he is Mr. Shankar. National hero. चलो autograph लेते। आप दिल्ली जा रहे हैं? जी हाँ। Autograph. Autograph please. Autograph दीजिए ना। May I have the pleasure of saying cheers to the national hero? Oh, sure. Cheers. Cheers. Yes. Thank you, uncle. Thank you. मुझे भी autograph दीजिए ना, uncle. Uncle, आपको क्या हुआ? Sister, uncle को कुछ हो गया. चिंद्रन चलो चलो अपने अपनी सीट में जाकर बैठ जाओ। हरी अब कम 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 कम। लेट मी सी व्हाट हैपेंड। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं बहुत पसीना आ रहा है उनको। ओह गॉड डॉक्टर, कोई डॉक्टर है इस फ्लाइट में? प्लीज कम डॉक्टर, देखिए जरा इन्हें क्या हो गया है। व्हाट हैपेंड? आई डोंट नो। यस डॉक्टर। कैप्टन इस हालत में इनका दिल्ली तक फ्लाई करना ठीक नहीं। आई सी। रामनगर में मेरा नर्सिंग होम है, वहाँ इनका मैं पूरा चेकअप करने के बाद दिल्ली जाने तक इनका बंदोबस्त करवा दूंगा। अच्छा। हाँ अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। जैसा आप बेहतर समझे। तो फिर ठीक है, आप वायरलेस पर यहाँ मैसेज भिजवा दीजिए ताकि एयरपोर्ट पर मेरी एम्बुलेंस आ जाए। ओके ओके आई विल इन्फॉर्म देम। ऑरेंज जूस में नशीली चीज तुमने ही पिलाई थी। हाँ, ताकि तुम कुछ देर के लिए आंखें बंद करके आराम की नींद सो सको। और अगर हमेशा के लिए आंखें बंद नहीं करना चाहते तो ये लॉकेट मेरे हवाले कर दो। बिल्कुल नहीं, ये लॉकेट बचपन से मेरे गले में है, यही मेरी निशानी है, यही मेरी पहचान है। अबे लॉकेट मेरे हवाले कर, देखता हूँ कौन साला हाथ लगाता है। हाँ।
चोर, डाकू। मैं चोर डाकू नहीं। चुप। उस दिन तार चुरा कर भागा था, आज यहाँ चोरी करने आ गया है। मैं यहाँ तो चुप। ये सारी जायदाद मेरे राजकुमार की है और वो एक न एक दिन जरूर वापस आएगा। तब तक मंगल इस जागीर की हिफाजत करेगा, समझे? निकल जाओ यहां से। फिर कभी इस महल में कदम रखा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चोर, डाकू, बदमाश। जी, इसे ले जाकर कहीं ठिकाने लगा दो। ठीक है। और सुनो, एक बाज ने मेरी रिवॉल्वर इस महल में कहीं फेंकी है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। शमशेर, ये रिवॉल्वर कहां से मिला? समझ गया, वो चोर तुझे इससे मारना चाहता था। मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार, राजकुमार, हमारे राजकुमार। देखा राजकुमार, तुम्हारे जन्मदिन पर शमशेर कितना खुश है। ये हमारे जन्मदिन पर तुम्हारा तोहफा। राजकुमार की जय, महाराज की जय, महाराज के जय। शमशेर, ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? ये लॉकेट तो बचपन से मेरे गले में है, और ये कहां से मिला ये तो आपको मेरे डैडी ही बता सकते हैं। ओह, डैड हैज कम। हेलो एवरीबॉडी,
क्या बात है बेटा? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डैडी, इस लॉकेट की वजह से ये सब लोग मुझे राजकुमार समझ रहे हैं। हाँ ठाकुर साहब, यही वो लॉकेट है जिसे डाकू लाखन सिंह से बचाने के लिए मैंने अपने हाथों से राजकुमार को पहनाया था। आज मेरा बलिदान सफल हो गया लाखन सिंह। ये कागज? नहीं राजकुमार, ये अनजान गढ़ के शाही खजाने का नक्शा है। झील तक पहुंचने के बाद आगे का रास्ता इसी में है। और झील तक पहुंचने का रास्ता? झील तक पहुंचने का रास्ता मुझे मालूम है, मैं आपको वहां तक ले चलूंगा। ठाकुर साहब, आप बता सकते हैं ये लॉकेट आपके बेटे के गले में कब और कैसे आया? बोलिए ना ठाकुर साहब। क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं डैडी? डैडी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? ठाकुर साहब, सच सच बता दीजिए, कह दीजिए कि ये आपका बेटा नहीं है। नहीं। हमारा राजकुमार है, राज घराने का चिराग है। नहीं डैडी, डैडी कह दीजिए कि सब झूठ है, मैं आपका बेटा हूं। आपका होश क्यों है ठाकुर साहब? सच्चाई तो यही है आईजी साहब, हिरणजीत हमारा अपना बेटा नहीं है। डैडी, ये हमें जंगल में पड़ा हुआ मिला था। देखा देखा आईजी साहब, मैंने कहा था ना कि ये हमारे राजकुमार हैं, हमारे राजकुमार। ये सचमुच किसी राजघराने का चिराग है, इसीलिए तो जब से ये हमारे घर में आया हमारा कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा, यहां तक कि मेरी पत्नी की सूनी गोद भी भर गई। मेरी पत्नी ने मरते समय मुझसे ये वचन लिया था कि ये राज राज ही रहे, इसीलिए मेरी बेटी आशा को आज तक ये मालूम नहीं कि रंजीत उसका अपना भाई नहीं है। लेकिन भाग्य के सामने सब वचन बेकार हैं। प्रवीण सिंह जी, हम वचन देते हैं हमारे राजकुमार का ब्याह आपकी बेटी सीमा के साथ ही होगा। नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। मैं शंकर की हूँ, शंकर की ही रहूंगी। उसे इस जन्म में नहीं पा सकी तो अगले जन्म तक उसका इंतजार करूंगी। आईजी साहब, शादी ब्याह के मामलों में आजकल हम बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। बेटी, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। लुक मिस्टर डैनी, मैं इस प्लेन में स्कूल के बच्चों के साथ थी। आपका ये फ्रेंड बच्चों को ऑटोग्राफ देते देते अचानक बेहोश हो गया और उस दाढ़ी वाले डॉक्टर ने अटेंड किया और रामनगर एयरपोर्ट से अपनी एम्बुलेंस में ले गया। और हाँ, वो सिगरेट रोल करके पीता था। सिगरेट रोल करके पीता था? You mean to say, अपने हाथों से रोल करता था? Yes. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। I take your leave. हम गॉड के पास प्रे करेगा कि आपका दोस्त आपको जल्दी मिल जाए। God bless you, my sons. Thank you, sister. Danny! तो कहाँ चला गया था? कैसे हो, कैसे हो तुम लोग? पहली बार मेरा निशाना चूक गया, एन मौके पे शंकर ने आके उन्हें बचा लिया। क्या बकवास कर रहे हो, शंकर तो कब का मर चुका है। नो सर। शायद मेरा पीछा करते करते वो लोग यहां तक पहुंच गए। लगता है कि मरने में भी तीनों दोस्ती निभाएंगे। तुम चर्च के पीछे वाले रास्ते से चले जाओ। राइट सर। देखो वही पादरी। Yeah!
वेलकम माई बॉयज। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, ये असली पादरी नहीं है। यू आर राइट, तुम्हारी याददाश्त सचमुच काबिले तारीफ है। ठाकुर साहब, आशा के पिताजी? यस माई सन। यही शैतान उस दिन एयरक्राफ्ट की उड़ान देख रहा था जिसमें तुम दिल्ली जा रहे थे। इसका मतलब है प्लेन में जॉन और वो डॉक्टर? हाँ, वो डॉक्टर मेरा सुपुत्र था, रंजीत। और उस एम्बुलेंस में भी तुम्हारे गुंडे थे, हैं? राइट, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। अच्छा, तो आप ही ने हमें मारने के लिए रेलवे ट्रैक से बनवा दिया था, और वो लोहे के दांत वाला आदमी आप ही का पालतू कुत्ता है। ऑफ कोर्स, और अब वही कुत्ता तुम लोगों की हड्डियां चबाएगा। इससे पहले हम तुम्हारा खून पी जाएंगे हरामजादे। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, हम पुलिस को खबर करते हैं। चलो चलो मोंटू, जिद मत करो। अरे मैंने सारा कब्रिस्तान छान मारा, लेकिन वो तीनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोंटू, भगवान ने तेरी बात सुन ली। देख तहखाना, वो लोग जरूर यही होंगे। मत जाओ मोंटू, वहां मत जाओ। Thank you.
मोंटू, उस वीर को बाई तरफ घुमाओ जल्दी। नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो बच्चे को। मोंटू बेटे, मोंटू बेटे, तू बोल सकता है अब? हाँ दादी। ये खून और ये क्या? हाँ, वो व्हील। अच्छा लड़ी। छोड़ मुझे, रंजीत, आज हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। आज से महाराजा शूरवीर सिंह की सारी जागीर भी हमारी और अंजानगढ़ का खजाना भी हमारा। खजाना, जागीर और मैं अंजानगढ़ का राजा रंजीत सिंह। हाँ राजा, मेरा बेटा राजा। आपका बेटा? हाँ? नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको जंगल में पड़ा हुआ मिला था, है ना? हमने उनकी आंखों में धूल झोंकी और तुम उनकी आंखों का तारा बन गए। धूल झोंकने में तो आपका जवाब नहीं, क्योंकि बचपन से ही आपके साथ हूं, इसलिए थोड़ा बहुत ये हुनर मुझ में भी आ गया है। क्यों नहीं, जैसा बाप वैसा बेटा। नहीं बेटा नहीं है? तुम अच्छी तरह जानते हो अंजानगढ़ के महाराजा शूरवीर सिंह के चचेरे भाई श्री दिगंबर सिंह हमारे पिताजी थे, है ना लाखन? रंजीत, 20 साल पहले तुमने हमारे भोले भाले पिताजी को वरगलाकर शाही खजाना हासिल करने के लिए राजमहल पर हमला किया था, याद है तुम्हें? और तुम्हारी वजह से हमारे निर्दोष पिताजी की जान चली गई। इसीलिए उस कीमत को चुकाने की खातिर मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। पालने से तुम हमारे बाप नहीं बन गए, ताई कभी मां नहीं बन सकते। लाखन सिंह, हमारी रगों में शाही खून है, और कान खोलकर सुन लो, शाही खजाने के असली हकदार हम हैं, सिर्फ हम। रंजीत, इतना ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करो, पर काटना हमें आता है। लाखन से दुश्मनी करके तुम कभी भी शाही खजाने तक नहीं पहुंच सकोगे। धमकी नहीं, ये शाही खून धमकियां सुनने का आदि नहीं है। दाढ़ी मूछ साफ करवा लेने से ये मत समझो कि तुमने अपनी बीती जिंदगी के सारे गुनाहों को साफ करवा दिया। एक बात और याद रखो कि आज भी आईजी साहब को अपने दोस्त महाराजा शूरवीर सिंह के कातिल डाकू लाखन की तलाश है। मुझे पता होता कि मैं एक सांप को दूध पिलाकर पाल रहा हूं तो मैं तो अपने इन्हीं हाथों से तुम मेरा गला घोंट देते हैं। लेकिन अब ये सांप फन उड़ा चुका है। फन कुचलना मुझे आता है। रिवॉल्वर दिखा के तो बच्चों को डराते हैं। गोलियां हमारे पास हैं। रंजीत, ये खाली नहीं है, इसमें अब भी 5 गोलियां बाकी हैं, समझे? लेकिन हम खूनी नहीं है, हमारी रगों में शाही खून है। तुमने 20 साल तक इस शाही खून की रक्षा की है, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारा जीवन बख्श देते हैं। लेकिन याद रखो, हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना।
हमारे साथ हमारा वफादार मंगल सिंह भी है, जिसने बरसों बाद अस्पताल में तुम्हारी आवाज पहचान कर तुम्हें लाखन सिंह कह दिया था। और अगर उसकी आंखों पर पट्टी ना बंधी होती तो उसी वक्त वो तुम्हारे ये दोनों हाथ तोड़कर अपने कटे हुए बाजुओं का बदला ले लेता। और अब वो अपने राजकुमार की रक्षा करने के लिए एक तो क्या सैकड़ों लाखन खत्म कर सकता है। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? आशा, I'm sorry, हम तुम्हारे भाई नहीं हैं। क्या हो गया है तुम्हें? होश में तो हो? हाँ आशा, आज तक होश में नहीं था लेकिन अब होश में आ गया हूँ। भैया, हमने तुमसे कहा ना कि तुम हमारी बहन नहीं हो, क्योंकि हमारी रगों में शाही खून है और तुम्हारी रगों में एक डाकू का। What nonsense? आशा, हमारा यकीन नहीं आता तो जाकर अपने बाप से पूछो। जाओ। डैडी, डैडी क्या हो गया भैया को? कैसी अजीब बैकी बातें कर रहे हैं? आज से वो तुम्हारा भाई नहीं है, हमारा दुश्मन है। डैडी, भैया कहते हैं मुझ में डाकू का खून है। बकता है हरामजादा। तुम ऊपर जाओ। मगर डैडी, जाओ। तरुण, कहिए ठाकुर साहब। जीप लेकर पहाड़ी के पार वाले बंगले पे जाओ। बाप के पास? हाँ, और उसे कहो कि लाखन ने उसे बुलाया है। फौरन खजाने के नक्शे की कॉपी हमारे पास है। लाखन अगर सांप पालना जानता है तो उसके दांत तोड़ना भी जानता है। अच्छा अच्छा, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे डैडी का असली रूप क्या है। जानती हूँ, आज तक मैं इसी धोखे में रही कि मैं एक फरिश्ता जैसे आदमी की बेटी हूँ, लेकिन आज आज मुझे अपने आप को उनकी बेटी कहते हुए शर्म आती है। आशा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सीमा, मुझे नहीं मालूम वो इन लोगों की जान क्यों लेना चाहते थे, लेकिन वो एक खूनी है। मंगल सिंह का हाथ उन्होंने ही काटा और अनजान गढ़ के शाही खजाने के लिए महाराज का खून भी उन्होंने ही किया। जानगढ़ के महाराज का खून, यानी कि मेरे पिताजी का कातिल? हाँ, वही है डाकू लाखन सिंह। मगर मंगल सिंह तो रंजीत को राजकुमार समझकर उसे शाही खजाने की तरफ ले गए हैं। धोखेबाज, आखिर शराब के नशे में तूने अपनी असलियत उगल दी। बदमाश, ये लाकट पहनकर तू मेरे राजकुमार की जगह ले सकता। वो जगह तो हमने ले ली। कभी नहीं, मैं एक डाकू की औलाद को शाही खजाना कभी चूने नहीं दूंगा। मंगल, हमारी रगों में शाही खून है, हम लाखन के नहीं दिगंबर सिंह के बेटे हैं। तो तू दिगंबर सिंह का बेटा? हाँ, जिनका खून तुम्हारे महाराज ने किया था। जैसा गद्दार बाप वैसा गद्दार बेटा। वो कुत्ते की मौत मरा था, तुझे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। लाखन ने गलती की जो सिर्फ तेरा हाथ काटकर तुझे छोड़ दिया। मैं काटूंगा नहीं, तेरा जिस्म तो पूरा होगा मंगल, लेकिन तेरे जिस्म का हर हिस्सा अपने अपने जख्म पर लटक रहा होगा। जख्मों के मुंह तो खुले होंगे लेकिन तेरी सांस उन जख्मों से निकल नहीं पाएगी। यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और रास्ता हम में से किसी को भी नहीं मालूम। हम सब अलग अलग जाएंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। Sangaya! 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 Sangaya!
अरे बेटा तू ऐसा शहर गया कि माँ बाप को भूल ही गया बेटा। कैसी बातें करती हो माँ, भला कोई अपने माँ बाप को भूल सकता है। बात यह है कि शहर में दोस्तों में फंस गया था। अच्छा बाबा, इस इलाके में कुछ शरीरों को देखा है? हाँ, उस झील के पास अंजनगढ़ के राजा का खेमा लगा है। ये तो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। होगा, जाओ जल्दी से संजीवनी मलम लेकर आओ। चिंता ना कर बेटा, 6-7 साल की उम्र में जब तू हमें अंजनगढ़ महल के बाहर मिला था तो तेरी पीठ भी बुरी तरह तलवारों से छलनी थी। तलवारों से छलनी? हाँ, अंजनगढ़ के राजकुमार का जन्मदिन था और महल पर डाकू ने हमला कर दिया और राजा की हत्या भी कर दी थी। ये मेरा बेटा है। हाँ, वो डाकू लाखन सिंह था जिसने तुझे तलवारों पर उछाला था और महाराज का खून भी किया था। मैं तेरा बदनसीब बाप हूं। पिताजी। हाँ बेटे, मैं तेरा बाप हूं। कल इस झील को पार करके उस पहाड़ के पीछे पहुंचते ही करोड़ों का खजाना हमारे कदमों पर होगा और हम होंगे उस शाही खजाने के अकेले मालिक। आज के दिन सिर्फ शराब है? नहीं हुजूर, शबाब का भी इंतजाम है। शबाब का भी इंतजाम है? जीते हैं हम हंस के मरते हैं, खाली खुदा है वो, हम जिससे डरते हैं।
पीछे रहो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। देख क्या रहे हो, भर लो ये सब खेलों में। चलो जल्दी भरो, जल्दी करो। देवता का मुकुट, इसका मतलब उनमें से कोई हरामजादा शाही खजाने तक पहुंच चुका है। चलो मुझे फौरन वहां ले चलो, चलो। ये खजाना तू नहीं ले जा सकता लाखन, ये सब प्रजा की संपत्ति है, तो जैसे कमीने के लिए नहीं। तू तू अभी तक जिंदा है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तू खुद यहां बुझने के लिए चला आया है बेवकूफ, तेरी हिफाजत अब तेरा खुदा भी नहीं कर सकता। भून दो इसे। Thank you.
ले चलो घसीट के इसे इसकी बाप की समाधि पर, वहां इसकी चिता मैं जलाऊंगा। चला लाखन, आज तेरे दिन पूरे हो गए। तू मेरे दिन पूरे करेगा एक हाथ से। आज तेरा दूसरा हाथ काटकर तुझे भी वही मौत मारूंगा जो तेरे बेटे को दी थी। क्या को राखे साइया मार सके ना कोए, आंखें खोलकर देख लाखन, मेरा बेटा आज भी जिंदा है जिसे तूने तलवारों की नोक पर उछाल कर मरवाना चाहा था। सांगा, तेरा बेटा? हाँ लखन, तेरे डाकुओं की तलवारों की धारें इतनी तेज नहीं थी जो वफादारी के खून से सींचे गए इस जिस्म को काट सके। लेकिन हमारी बंदूक की गोलियों में वो बारूद है जो तुम सबका नाम और निशान मिटा देगा। शंकर!
तुम सबको एक साथ भून दूंगा। ठहरिए। आशा, ये भी लीजिए और चलाइए गोली, चलाइए। हाथ क्यों रुक गए? चलाइए गोली। तुम बीच से हट जाओ बेटी। नहीं, अब अगर आपकी बंदूक से गोली चलेगी तो पहले मुझ पर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हटो यहां से। ए! मंगलसेन, तुम बहुत ऊंचे इंसान हो, मुझ जैसे नीच की बेटी। डैडी, डैडी, आपकी जागीर आपका इंतजार कर रही है। नहीं मंगल चाचा, अब न मैं राजकुमार हूं न इस जागीर का हकदार। अब तो मेरी जागीर मेरे नियारों की दोस्ती है। सारी दुनिया से निराले,